या वेद की आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी तपस्या, उनका दर्शन एक ऐसी क्रांति का प्रतीक है जिसने ये सुनिश्चित किया है कि समाज का कोई भी वर्ग और जीवन का कोई भी कोना अछूता न रहे। अपने वाक के माध्यम से लालदेव ने इंसान को नैतिक रूप से ऊपर उठने का भी साहस दिया, प्रयास किया, और जिससे मैं मानता हूं कि समाज में सत्य, सेवा और समर्पण की भावना यहां मजबूत हुई। आज लालदेव को समर्पित कार्यक्रम का एक बड़ा उद्देश्य मुझे लगता है ये भी है कि लोक शक्ति जागृत होकर अमन और तरक्की के संकल्प दोहराए तथा हम अपने जीवन से प्रेरणा लेकर आधुनिक चुनौतियों के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करें, आपसी भाईचारा कायम रखें तथा जम्मू कश्मीर के विकास के सर्वोच्च शिखर को छू सके, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। मैं मानता हूं कि आज के उथल पुथल भरे दुनिया में लालदेव का दर्शन आशा की किरण भी प्रदान करता है। लालदेव हमें यह भी स्मरण कराती है कि सच्ची संतुष्टि और खुशी भौतिक सफलता से नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और आंतरिक शांति से आती है। अच्छा, आज का ये जो प्रोग्राम था, ये आर्ट ऑफ लिविंग जो ऑर्गेनाइजेशन है विच आई एम हेडिंग इन कश्मीर, उनका ये एक अटेम्प्ट था सेलिब्रेटिंग लालदेव, जो टॉपिक था लालबुद्ध रायस। तो ये हमारा यूथ तक पहुंचाना था कि जो भी ललवाक्स थे, जो लल ने स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू अपने ललवाक्स के थ्रू मैसेज कन्वे किया है, एक भाईचारे की, एक सेलिब्रेशन की, उसको हमने कन्वे किया है थ्रू दिस लालबुद्ध रायस ओपेरा। देखिए, हर एक जहाँ पर आज आप देखते हैं लड़ाई झगड़े मारामारी है, उसमें जो एक पीस है उसको कायम रखने के लिए ऐसे जो हमारे ये जो धरती है ऋषियों की है, सूफियों की है, संतों की है, तो उन्होंने जो मैसेज कन्वे किया है वो हम यहाँ पर यूथ तक एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के जरिए देना चाहते थे। आर्टिस्ट जो थे ये सारे यहाँ कश्मीर से हैं, और इसका जो लीड लिया था पंडित किशन लांगू जी ने लिया था, और अरशद बिलाल जी, अरशद मुश्ताक जी जो ये डायरेक्ट किए थे प्ले, और राजा बिलाल जी जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था।